हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल से। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं गाइस, तो आप सारे जानते हो जैसे J&K स्टेट में सर क्लास फोर्थ की जो वैकेंसी है वो आउट है, ठीक है जी। अगर मैं क्लास फोर्थ की वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो सर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट आपकी 10th क्लास होनी चाहिए, क्लियर सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस नोटिफिकेशन को लेके, तो 10 जुलाई को इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। आप 10 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, पॉइंट क्लियर है जी। अगर मैं बात करूं इस नोटिफिकेशन को लेके एग्जाम कैसा रहेगा, तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो एग्जाम है वो ऑनलाइन रहेगा, पॉइंट क्लियर है जी। अगर मैं फोर्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपने देखा होगा 8500 कुछ डाटा है, मतलब 8500 कुछ वैकेंसी उन्होंने आउट की है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को आउट किया गया है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग के डिटेल सिलेबस को डिस्कस करूंगा, प्लस आज हम एक टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, क्लियर सर। अगर मैं बात करूं इस पेपर का जो एग्जामिनेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन का मतलब क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जैसे जानते हो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जैसे कोई एक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के बेस पे चार ऑप्शन होंगे, आपको देखना होगा कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है, उसी को क्लिक करना होगा, और पेपर का मोड ऑनलाइन रहने वाला है, ये बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा एक्टिवेट होगा फिल करने का जो डेट है वो 10 जुलाई है, और अगर मैं बात करूं लास्ट डेट कब है वो 25 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्या ये बात क्लियर है जी। हाँ जी सर प्लीज देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न को लेके, तो पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं सर, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इस पेपर के लिए एक ही पेपर होगा, और उस पेपर में कौन कौन से कंपोनेंट को पूछा जा रहा है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक आपका इंग्लिश का कंपोनेंट रहेगा, रीजनिंग का रहेगा भाई साहब, देन मैथ, और एक आपका जनरल जीके प्लस साइंस। अगर मैं इनकी वेटेज की बात करूं सर, तो इनकी वेटेज इंग्लिश की वेटेज है जी 20 नंबर की, रीजनिंग की वेटेज है जी 20 नंबर की, मैथ की वेटेज है जी 20 नंबर की, और जीके प्लस साइंस की जो वेटेज है वो है जी आपकी 40 नंबर। और टोटल अगर प्लस किया जाए तो टोटल कितना जी आपका 100 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ रहा होगा, पॉइंट क्लियर है जी। और अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो कितने घंटे का टाइम रहेगा पेपर में आपको, 2 आवर का टाइम रहेगा, क्लियर है ये बात। और अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो आप देख रहे हो इस तरह से है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 100, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सर रीजनिंग को लेके, पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही हमारे एक्सपर्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स की वीडियो को विद सिलेबस और टॉपिक, हमने एक देखा था रेशो प्रोपोर्शन जो हम यूट्यूब पे अपडेट कर चुके हैं, पॉइंट क्लियर है जी। आप जिन्होंने नहीं देखा वो स्पार्क इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे सर्च करिए और मैथ के पहले डेमो क्लास को देख सकते हैं, क्लियर सर। उसके अगेन जैसे मैंने आपको कहा रीजनिंग का लेक्चर हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, पॉइंट क्लियर है, जिसमें हम आज सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका क्लास फोर्थ का एग्जाम है उसका जो सिलेबस है रीजनिंग का 20 नंबर की जो वेटेज है उसमें क्या क्या चीजें पूछ रहा होगा, पॉइंट क्लियर है जी। तो जैसे आपने देखा ऑफिशियल सिलेबस में जो चैप्टर है, फर्स्ट वन योर एनालॉजी, पॉइंट क्लियर जी, नेक्स्ट वन योर रिलेशनशिप कंसेप्ट। अगर मैं रिलेशनशिप कंसेप्ट की बात करूं तो इन चैप्टर को मैं डिटेल में देखूंगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर की वेटेज के साथ आ सकता है जब हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। और हमारा जो कोर्स है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट पे, एक 1 से 3 और एक आपका 7 से 9, पॉइंट क्लियर है जी। बच्चों को बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है सर ये कोर्स किस तरह से चलेगा, सर ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा। पहले मैं अगेन क्लियर कर दूं, आप लोगों को पता कोविड है, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, इसी के पैरेलल हमारे सर 3 बैच जेके बैंक पीओ को लेके चल रहे हैं, और आपके एक बैच हमारा चल रहा है रात को 9 से 11 जो अकाउंट सिस्टम का चल रहा है, क्लियर सर। तो बच्चों की डिमांड थी काफी सारी क्लास फोर्थ को लेके, तो फिर टीम ने डिसाइड किया और हमने 2 स्लॉट ओपन किए हैं। 1 जुलाई को हम 2 स्लॉट में बैच को स्टार्ट कर रहे होंगे, एक 1 से 3 और एक 7 से, पॉइंट क्लियर है जी।
अगर मैं बात करूं किस बच्चों की क्वेरी थी कि सर किस तरह से पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, सर देखिए सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूं आपने 1 से 3 के बैच को इनरोल किया है ना, 1 से 3 के बैच को आपने क्या किया, इनरोल किया। भाई साहब सबसे पहले क्या रहेगा आपको एग्जैक्ट, मान लो आज सपोज अगर मंडे है सपोज अगर मैं इस बैच की बात करूं तो ये ट्यूजडे को शुरू हो रहा है ना, जैसे कल के दिन शुरू हो रहा है, तो कल के दिन क्या होगा 10 बजे सबसे पहले 10 बजे आपको 2 यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे एक मैथ का एग्जांपल के लिए और एक आपका इंग्लिश का, सपोज मैं कर रहा हूँ एक मैथ का और एक इंग्लिश का। कहने का मतलब मैथ्स वाले सर ने एक वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देना है और वो जो यूट्यूब की वीडियो होगी वो आपकी एक रिकॉर्डेड वीडियो होगी, और कहने का मतलब वो एक प्राइवेट चैनल पे वीडियो होगी। प्राइवेट मतलब क्या होगा कि वही स्टूडेंट इस वाली वीडियो को असेस कर पाएगा जिस स्टूडेंट ने ये वाला बैच इनरोल कर रखा है। पॉइंट क्लियर है जी। सपोज सर ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 वीडियो बना के दी, जिसमें 2 में बेसिक बताया, 2 में ट्रिक बताई। पॉइंट क्लियर है। तो हमने क्या करना, जैसे ट्यूजडे वाले दिन 10 बजे आपको मैथ का एक लिंक आ जाएगा जिसमें आपने उस वीडियो को असेस करना है, उस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है जी। वीडियो के साथ ही जो आपका एक हम क्या करेंगे, एक अपना व्हाट्सएप पे एक पेड ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देंगे, उन्हीं स्टूडेंट को ऐड किया जाएगा जिन स्टूडेंट ने इस बैच को इनरोल कर रखा होगा। पॉइंट क्लियर है जी। तो सबसे पहले 10 बजे क्या होगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेड वाला ग्रुप है इसमें क्या होगा आपका, अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब का लिंक आएगा। पॉइंट क्लियर है जी। यूट्यूब का लिंक आएगा, यूट्यूब के लिंक के साथ यहाँ पे एक PDF आएगी इसी के बेस पे जो आपको सॉल्व करनी है। ये PDF एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस की होगी। पॉइंट क्लियर। और इसमें 40 क्वेश्चन एक बेसिक वाले होंगे। पॉइंट क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन होंगे जो इस वीडियो के बेस पे आप इसको सॉल्व करोगे। फिर क्या होगा, आपने 1 से 3 का बैच इनरोल कर रखा है, तो जब 1 बजेगा तो आपको क्या होगा, जूम ऐप पे एक अगेन, आप कहने का मतलब अगेन व्हाट्सएप पे एक लिंक क्रिएट किया जाएगा, लिंक दिया जाएगा एग्जैक्ट 1 बजे जूम ऐप का। पॉइंट क्लियर है। आप सबको क्या करना, जूम ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड करना। वो जो लिंक आएगा आपने उस लिंक पे जब क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिक लाइव हमसे कनेक्ट हो पाओगे। आपने देखा होगा आज के टाइम पे काफी सारे इंस्टीट्यूट, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे स्कूल कॉलेजेस जूम ऐप पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम भी जूम ऐप पे 1 बजे लाइव आएंगे। आपने उसको ज्वाइन करना उस लिंक को और आप क्या होगे, डायरेक्ट हमारे साथ, कहने का मतलब लाइव जुड़ जाओगे। उस वीडियो में क्या होगा भाई साहब, उसमें क्या होगा, जो हमारे टीचर की, जो हमारा होस्ट कर रहा है, होस्ट मतलब जो टीचर लिंक क्रिएट कर रहा है, उसकी स्क्रीन बाकी सारे स्टूडेंट के फोन पे दिख रही होगी। पॉइंट क्लियर है जी। पहले क्या होगा, सबसे पहले 15 मिनट बच्चों को यही PPT को ओपन किया जाएगा जो आपको YouTube पे करवाई गई वीडियो है। पॉइंट क्लियर है। बच्चों को पहले 15 मिनट उसके डाउट लिए जाएंगे कि सर किसी सेंस को नहीं समझ पाए, किसी स्टेटमेंट में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो पूछिए। अगले 15 मिनट में क्या होगा, टीचर 2-3 क्वेश्चन खुद से देगा ताकि उसको पता चल जाए कि बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देख रखा। बात क्लियर है जी। और अगले जो 30 मिनट है इसमें क्या होगा, आपका MCQ कंडक्ट किया जाएगा जूम पे PPT पे, मतलब ये टीचर अपनी होस्ट वाली स्क्रीन पे ओपन कर रहा है, बाकी सबको यहाँ पे उसी वो वीडियो को देख रहे होंगे। पॉइंट क्लियर है। अगर किसी, मान लो ये AF स्टूडेंट है, BA, CA, D है, अगर C को डाउट आ जाता है तो C क्या करेगा, अपना माइक ऑन करेगा या कमेंट में टीचर से पूछ सकता है, सर ये वाले क्वेश्चन को अगेन रिपीट करो, सर ये क्वेश्चन कैसा था। पॉइंट क्लियर है। जब टीचर MCQ लेगा तो वो पहले क्वेश्चन को डिस्प्ले करेगा, इन सब में वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, और फिर वो बच्चे से बोलेगा हाँ जी DG अपना फोन माइक ऑन करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दीजिए। तो अगर रैंडमली भी हम स्टूडेंट से क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर है जी। तो मेरे को लग रहा है कि अब आपको ये असेस क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट में चल रहे होंगे, जनरल नॉलेज प्लस साइंस, ऐसे ही हम सब सब्जेक्ट में काम कर रहे होंगे। फर्स्ट YouTube लिंक के साथ ही PDF, 1 बजे जूम पे लाइव, उसी तरह 10 बजे ही आपको सपोज 2 क्लासे हैं, इंग्लिश का भी लिंक, इंग्लिश की भी PDF। पॉइंट क्लियर है। अगले दिन अगेन आपका पहला पार्ट हुआ, सपोज आपको सर ने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया पहला पार्ट, आपको पता है ये 3 या 4 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट होगा, तो अगेन सेकंड पार्ट।
अब आपको पता जम्मू में 2G चल रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो यही कारण हमने क्या किया, जो कंसेप्ट रहेगा वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा। आप सपोज अगर आज बिजी थे या इंटरनेट प्रॉब्लम थी या इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू रहा तो आप वीडियो नहीं देख पाए, है ना, तो उस केस में क्या होगा, आप लोग, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने सोच रखा कि आपने इस एग्जाम को क्लियर करना है, पॉइंट क्लियर है जी, तो कहने का मेरा एक ही मतलब है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे प्लस जूम पे डाउट क्लासेस रहेंगी प्लस पीडीएफ रहेंगी प्लस आपके जब संडे वाला दिन होगा तो उसमें आपके क्विज भी कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर आपको किसी को डाउट है कि किस तरह से क्लासेस चल रही होंगी तो YouTube पे आप हमारे जो JK बैंक के रिव्यू आए हैं उस वीडियो को देख सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ जिन भी स्टूडेंट ने क्लास 4th के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज वो टाइम ना वेस्ट करो। अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाते हो तो आपको कहीं और नहीं असेस करना, कहीं और कंटेंट नहीं पढ़ना, आपको सारा कुछ यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है जी। तो ये तो था एक बैच को लेके जो बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन थी। पॉइंट क्लियर है कि सर किस तरह से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। तो मैं अगेन बता दूं, हम 1 जुलाई से बैच को स्टार्ट कर रहे होंगे, 1 से 3, एक टाइम स्लॉट और एक 7 से 9। पॉइंट क्लियर, जो भी आपको अच्छा लगे जिस टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम पे आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने का प्रोसीजर क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करना है और बाकी सारी डिटेल हम इस व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। पॉइंट क्लियर है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ऑनलाइन बैच पे हम कैसे काम करने होंगे उस प्रोसीजर को अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर सर। तो चलते हैं जी अपने सिलेबस की तरफ। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सर सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर इज एनालॉजी। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप कंसेप्ट का मतलब क्या होगा सर, ब्लड रिलेशन। पॉइंट क्लियर है जी, ब्लड रिलेशन का चैप्टर है ये आपका। अगर मैं बात करूं फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का चैप्टर है सर ये आपका। पॉइंट क्लियर है जी। ये सारे के सारे चैप्टर पहले मैं आपको बेसिक वे में करवाऊंगा और उसके बाद ये सारे के सारे चैप्टर आपको शॉर्टकट से भी करवाए जाएंगे। कहने का मतलब जो भी चैप्टर शुरू किया जाएगा वो बेसिक भी किया जाएगा और बेसिक के साथ ही शॉर्टकट में भी अपडेट किया जाएगा। और अगर यहाँ एग्जामिनर ने 2 आर लिखे हैं और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है जो प्रॉपर वे में इसकी तैयारी कर रहा होगा तो मेरे को नहीं लगता कि सर ये 2 घंटे उस, मतलब कहने का मतलब वो विद इन अगर मैं बात करूं तो सर बोता नहीं तो 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर को भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि जीके और साइंस के पोर्शन में तो जो चीज आती है क्लिक ही होना है। कैलकुलेशन का काम कहा है, इंग्लिश में भी क्या होगा क्लिक ही होगा, कैलकुलेशन का काम रहेगा रीजनिंग और मैथ्स में। पॉइंट क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 घंटा भी सफिशियंट है, बट अगर हमें 2 घंटे दिए गए हैं तो हम चीजों को मतलब अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में। और आप जानते हो अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में जब ये एग्जाम कंडक्ट होगा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो ये जो बैच की ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी सर 2 मंथ्स की। पॉइंट क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप करना है, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट फिगर सीरीज, नेक्स्ट वेन डायग्राम, नेक्स्ट नंबर सीरीज और नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग। बड़ी ही बेसिक रीजनिंग है सर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस 2 मंथ अगर मैं बात करूं आप इस डेमो वीडियो को देखने के बाद हम पे ट्रस्ट रखिए, 2 मंथ के बाद अगर आपने सोच रखा है तो ये जॉब आपके पास होगी। ये स्पार्क इंस्टीट्यूट का प्रॉमिस है आपके साथ। क्लियर सर, शाबाश। तो उम्मीद करता हूं आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, और अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो हमारा पहला टॉपिक है जी आपका ब्लड रिलेशन। क्लियर सर, जल्दी से शाबाश। हाँ सर, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक का नाम क्या है, ब्लड रिलेशन, जिसको आपने अभी देखा रिलेशनशिप कंसेप्ट। पॉइंट क्लियर है जी। एक सेकंड राइट डाउन करो तब तक। हाँ जी सर, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं भाई साहब, तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले ब्लड रिलेशन का हिंदी में मतलब क्या होगा, बात को समझना सर। ब्लड रिलेशन का हिंदी में मतलब क्या होगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट, इसका मतलब है ब्लड रिलेशन। इन इन दोनों का हिंदी में मतलब क्या होगा सर, खून के रिश्ते।
और भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं खून के रिश्ते वाले पर्सन कौन से होते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर फैमिली पर्सन। क्या ये बात क्लियर है? ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? फैमिली पर्सन। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले एक बात को समझो, एग्जाम में सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करके रिलेशन फाइंड करना होता है कि क्या रिलेशन है। क्लियर सर? देखते हैं चैप्टर को। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन में आप सबसे पहले दो टर्म्स को पढ़ोगे। जब भी आपके दिमाग में फैमिली का नाम आया तो फैमिली के नाम का मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में दो टर्म्स आई, फर्स्ट वन योर मेल और अनदर वन योर फीमेल। क्या ये बात क्लियर है जी? क्या आपको ये बात क्लियर है? ब्लड रिलेशन में हम कितने टर्म्स को पढ़ेंगे? दो टर्म्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट वन योर मेल और अनदर वन योर फीमेल। अगर भाई साहब मैं मेल की बात करूं तो मेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस से और फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस से। अगेन मैंने क्या कहा, बात को समझना, ठीक है जी? मैंने कहा सर मेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस से और फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस। ये बात क्लियर है? शाबाश। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने एक वर्ड लिखा ए, ए के ऊपर लिखा प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो किसी मेल कैटेगरी का पर्सन है। मैंने क्या कहा, ए जो है वो किसी मेल कैटेगरी का पर्सन है। ये प्लस ने रिप्रेजेंट किया मेल का रिलेशन, और अगर यहीं पे होता जेड के ऊपर माइनस, इसका मतलब क्या होता, माइनस का मतलब क्या होता, फीमेल कैरेक्टर। प्लस है तो मतलब क्या होगा, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, सन हो सकता है। तो जितने भी प्लस वाले रिलेशन है वो प्लस डिफाइन करेगा, मतलब जितने भी मेल वाले रिलेशन है वो प्लस डिफाइन करेगा, और जितने भी फीमेल वाले रिलेशन है वो माइनस डिफाइन करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ चुके होंगे कि सर प्लस और माइनस का मतलब क्या, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो सर बताइए, सर जेड के ऊपर माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो Z के ऊपर माइनस है तो सर इसका एक ही मतलब हुआ कि Z एक फीमेल पर्सन है। ये वाइफ भी हो सकती है, ये डॉटर भी हो सकती है, ये मदर भी हो सकती है। कहने का मतलब जितने भी फीमेल के रिलेशन होंगे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे माइनस से। बोलिए भाई साहब ये बात क्लियर? अगर क्लियर है तो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। हाँ जी सर, सबसे पहले इस चैप्टर में हम कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इस चैप्टर को सीखने में बड़ा टाइम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन में देखेंगे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप की बात करूं तो टाइप नंबर वन है जी भाई साहब, डायरेक्ट फॉर्म। पॉइंट क्लियर है जी? टाइप नंबर वन क्या है? डायरेक्ट फॉर्म। मैं इन सारी टाइप्स के मतलब भी बताऊंगा, मतलब क्या है जी। टाइप नंबर वन का नाम क्या है? डायरेक्ट फॉर्म। टाइप नंबर टू का जो नाम रहेगा वो रहेगी आपकी कॉलिंग फॉर्म, और टाइप नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं तो ये टाइप रहेगी आपकी इंडिकेटिंग फॉर्म। पॉइंट क्लियर है जी? तो इस चैप्टर में हम तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। टाइप नंबर वन शाबाश बोलो तो डायरेक्ट फॉर्म, टाइप नंबर टू शाबाश बोलो तो कॉलिंग फॉर्म, और टाइप नंबर थ्री इंडिकेटिंग फॉर्म। अगेन टाइप नंबर वन डायरेक्ट फॉर्म, टाइप नंबर टू कॉलिंग फॉर्म, और टाइप नंबर थ्री इंडिकेटिंग फॉर्म। अगर मैं टाइप नंबर वन की बात करूं डायरेक्ट फॉर्म की, तो डायरेक्ट फॉर्म में भी आगे दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। सर टाइप नंबर वन में आपको डायरेक्ट फॉर्म में अगेन दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट वन योर सिंपल डायरेक्ट फॉर्म। पॉइंट क्लियर है जी? और सेकंड वन योर पजल डायरेक्ट फॉर्म। देखो भाई साहब आप लोगों को पेशेंस रखना है, दो मंथ हमसे जुड़े रहना है, आप खुद देखोगे आपको खुद चीजें जो है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है जी? तो पहले ओवरव्यू जानना बड़ा जरूरी है ना। तो डायरेक्ट फॉर्म में हम दो तरह के क्वेश्चन को देख रहे होंगे, फर्स्ट वन सिंपल डायरेक्ट फॉर्म, सेकंड वन पजल डायरेक्ट फॉर्म। कोडिंग फॉर्म ठीक है जी क्वेश्चन रहेगा, और इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म में अगेन तीन तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? एक आपकी इंडिकेटिंग फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और एक आपकी डायरेक्ट फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं इंडिकेटिंग फॉर्म की बात करूं तो अगेन तीन तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या रहता है आगे जाके जब हम डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे। सर जहां तो क्वेश्चन शुरू होगा ही शी इट जस्ट सिंगुलर नाउन से, यहां तो क्वेश्चन शुरू होगा हिम हर हिज से, यहां तो क्वेश्चन शुरू होगा यू या यूर से। ये क्या है? बस अभी आपको एक ओवरव्यू लेना है कि इंडिकेटिंग में तीन बातें होती हैं, डायरेक्ट में दो बातें होती हैं, इनके अंदर की कहानी क्या है
उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है जी? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले इस चैप्टर की तीनों टाइप्स का ओवरव्यू क्लियर हो चुका होगा। टाइप नंबर 1 भाई साहब डायरेक्ट फॉर्म, टाइप नंबर 2 कोडिंग फॉर्म, टाइप नंबर 3 इंडिकेटिंग फॉर्म। आगे अगेन इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? शाबाश। अब इनकी टाइपों का मतलब को समझते हैं भाई साहब, मतलब क्या होता है। देखिए सर, टाइप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्म। देखो डायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, पेपर क्या करता है, पेपर ने कहा सर देयर आर 5 पर्सन ए बी सी डी ई, देयर आर 5 पर्सन, मतलब फिर आगे वो लिखता है ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज ब्रदर ऑफ ई। कहने का मतलब उसने कहा इन अ फैमिली देयर आर 5 पर्सन, जब उन्होंने कहा ये फैमिली में 5 पर्सन है तो एक बात क्लियर है कि सबका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन है उसने एज इट लिख दिया। फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या करता है, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 को पूछता है बताओ हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो भाई साहब बताइए ए ई का क्या लग रहा है। तो इसके साथ आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे। पॉइंट क्लियर है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सपोज पहले ऑप्शन में फादर होता, दूसरे में मदर होता, तीसरे में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और एक फिफ्थ ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। तो आपको फाइंड करना होता है ए ई का क्या लग रहा है। पॉइंट क्लियर है जी? तो आप एक बात को समझो, यहां लिख रहा है ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, तो इस बात को वो डायरेक्ट बोल रहा है। अगर वो इस बात को डायरेक्ट बोल रहा है तो टाइप कौन सी होगी, डायरेक्ट फॉर्म। ये बात क्लियर है? अगर उसने कहा ए इज फादर ऑफ बी एंड ए इज एन इंजीनियर, ए फादर तो है बी का बट ए साथ में क्या है इंजीनियर, एंड ही बिलोंग्स टू अफगानिस्तान एंड ही लाइक रेड टी शर्ट, तो कहने का मतलब जब भी एग्जामिनर ए का कंबिनेशन देना शुरू कर दे तो वो टाइप कौन सी होगी, पजल डायरेक्ट फॉर्म। बोलिए ये बात क्लियर है? मैंने क्या कहा सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा, एक का दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन, ए का बी से डायरेक्ट रिलेशन, अगले का अगले से डायरेक्ट रिलेशन। बट पजल में क्या होगा, उसका रिलेशन भी होगा साथ में उसका कंबिनेशन भी होगा। जैसे मैंने कहा कि ए फादर है बी का बट ए क्या इंजीनियर, ही लाइक रेड टी शर्ट, ही बिलोंग टू अफगानिस्तान एंड सो ऑन। तो इस तरह की बातें हम कंसीडर करेंगे पजल डायरेक्ट फॉर्म में। अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल होगी तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्म। बोलो सर टाइप नंबर 1 का ओवरव्यू क्लियर हुआ? शाबाश। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप कोडिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, ये आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इस टाइप के मतलब को भी समझेंगे जब आप इस टाइप पे आ जाओगे इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद। तो कहने का मतलब हमने टाइप नंबर 1 को समझा और जिसमें हमने क्या देखा कि सर क्वेश्चन इस तरह का होगा। अब मेरे को ये बताओ कोई बच्चा, मैंने कहा सर यहाँ 5 बंदे हैं, अगले क्वेश्चन में होगा अगर 10 बंदे हैं, तो क्या सर इन बातों को दिमाग में रीड करके आंसर दिया जा सकता है, बताइए। मैंने कहा ए, मैं सपोज बच्चे के करते हैं मैं ए हूँ, मैं फादर हूँ बी का, अपने इसका आगे ये इसका ये इसका, तो बच्चा टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो कभी भी इन स्टेटमेंट को माइंड में रीड करके आंसर नहीं दिया जा सकता। तो यहीं पे एक कंसेप्ट निकल के आता है इसी के अंदर, उसको बोलते हैं भाई साहब फैमिली ट्री। क्या बात क्लियर है, बात को समझ पाए? मैंने क्या कहा कि सर इन्हीं क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम एक कंसेप्ट को लेके आएंगे, उस कंसेप्ट को क्या बोला जाएगा, शाबाश बोलो तो, फैमिली ट्री। तो इस फैमिली ट्री, ट्री का मतलब आप समझते हो, ट्री मतलब एक, आप समझ रहे हो एक दरख्त की तरह, एक पेड़ की तरह। तो कहने का मतलब फैमिली ट्री का मतलब क्या होगा, हमें इनको एक पेड़ की तरह, जैसे एक पेड़ होता है उस पेड़ की बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, उनके लीव्स होते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ही हमने इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनका एक डायग्राम बनाना है। पॉइंट क्लियर? उस डायग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ 3 टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा उस डायग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ 3 पॉइंट्स को सीखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर हस्बैंड और वाइफ, शाबाश। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर हस्बैंड और वाइफ। जब भी बात की जाएगी हस्बैंड और वाइफ को लेके तो आप लोग रिप्रेजेंट करोगे डबल साइड एरो। मैंने क्या कहा जब भी बात की जाएगी स्टेटमेंट में हस्बैंड और वाइफ को लेके तो आप लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे, डबल साइड एरो, दोनों साइड एरो।
फिलहाल अभी एक मान के चलो डबल साइड एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड और वाइफ को। पॉइंट क्लियर है? शाबाश, अगर क्लियर है तो एग्जांपल में लिखिए सर, एग्जांपल में लिखिए ए इज हस्बैंड ऑफ बी। शाबाश, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये एक लैंग्वेज है, हमें इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है। सर एक बात को समझना, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यहां पे फिर अगेन हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। यहां से सेंटेंस शुरू होता है इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, और यहां पे सेंटेंस खत्म होता है इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद आपको एक बात और देखना है, ये जो हस्बैंड और वाइफ है इन दोनों में जो जनरेशन है वो कौन सी होगी। शाबाश, तो सर हस्बैंड वाइफ आपको मदर और फादर, हस्बैंड वाइफ तो दोनों की जनरेशन तो सेम है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, हस्बैंड वाइफ दोनों की अगेन जनरेशन सेम है। अगर मैं बात करूं मैं और कल को जो मेरी वाइफ होगी, दोनों की जनरेशन क्या है, सेम। तो कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ आपको हर जनरेशन पे मिल रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर है? और आपको जब भी हस्बैंड वाइफ दिया जाएगा आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, डबल साइड एरो। एग्जांपल ने कहा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, इस बात को ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा। सर देखो ए और बी, एक बात बताओ, अगर दोनों की मैंने कहा ये हर एक जनरेशन में मिल रहे हैं, तो किसी भी एक जनरेशन के पर्सन मान लो इनको, अगर दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम जनरेशन के पर्सन है, ये हमेशा एक दूसरे के इन फ्रंट लिखे जाएंगे। जैसे आपकी कॉपी की ये लाइन है, अगर आपने यहां पे भाई साहब, अगर आपने यहां पे ए लिखा है तो इन फ्रंट का मतलब क्या होगा, इसी के सामने, इसी के सामने क्या लिखा जाना, बी, ना ही ऊपर ना ही यहां ना ही यहां, ये सारा गलत होगा। सही कौन सा होगा, ये बात समझ पाए। बोलो सर, मैंने क्या कहा ए हस्बैंड है बी का, अगर ए हस्बैंड है बी का तो दोनों की जनरेशन क्या होगी, सेम, क्योंकि हर जनरेशन पे मिल रहे हैं और हर जनरेशन पे इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर फादर है तो फादर की जो वाइफ है मदर, दोनों की जनरेशन तो सेम है, जनरेशन सेम तो हमेशा क्या लिखे जाने हैं, इन फ्रंट, इन फ्रंट लिखे जाने हैं। दोनों में रिलेशन किसका बोला, यहां तो वर्ड यूज कर दे एग्जामिनर यहां हस्बैंड, यहां तो वर्ड यूज कर दे वाइफ, दोनों में कोई भी वर्ड यूज करेगा तो एरो आएगा, डबल साइड एरो। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश, अगर आपको ये बात क्लियर है तो सर ए के लिए हस्बैंड वर्ड यूज किया गया, हस्बैंड मतलब मेल, अगर ये मेल है तो सर बताइए कि ए के ऊपर क्या आएगा, सर सर ए के ऊपर तो प्लस आएगा, अगर एक हस्बैंड है तो फिर दूसरा क्या होगा, माइनस। बोलो बात समझ पाए। तो कहने का मतलब इस स्टेटमेंट को आज के बाद हम इस तरह से कन्वर्ट करके लिखा करेंगे। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, शाबाश, कोई दिक्कत, क्लियर सर? अगर आप लोगों को ये बात क्लियर है तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझा हस्बैंड और वाइफ। एग्जामिनर क्या करेगा, तब तक 5 सेकंड का टाइम राइट डाउन करिए। शाबाश, हाँ जी सर, अगर आपने राइट डाउन कर लिया तो मेरे को ये बताओ, यहां हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं होता तो सर यहां पे होता मैरिड कपल, है ना, ए इज मैरिड टू बी, सर यहां होता ए इज मैरिड टू। मैं छोटी छोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहीं पे आके गलती कर देते हैं स्टेटमेंट को समझने में। उसने कहा ए इज मैरिड टू डी, एक बात क्लियर है कि मैरिड का मतलब क्या होता है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, तो इस बात को लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैं डी लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, इस बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सर ए ऑब्वियसली जनरेशन सेम, डी इन फ्रंट एक ही लाइन में, दोनों में एरो कौन सा आएगा, मैरिड है तो डबल साइड एरो। बट अगर मैं यहां कहूं सर ए के ऊपर क्या आएगा, तो अब मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि ये प्लस होगा या माइनस, क्योंकि यहां पे उसने हस्बैंड कहा था तो प्लस, अगर वाइफ कहा होता तो माइनस, अगर मैरिड कपल कहा तो फिर आप कुछ भी नहीं यूज करोगे प्लस और माइनस, सिर्फ स्टेटमेंट को ऐसे लिख के छोड़ दोगे और अगली स्टेटमेंट देखोगे जो इसको कंप्लीट कर रही हो। बोलो सर ये बात क्लियर है? शाबाश, मैरिड वर्ड के लिए अगेन डबल साइड एरो, बट ए एज इट लिख दिया, बी एज इट लिख दिया, खुद से इन पे प्लस माइनस नहीं लगाना। क्लियर है सर? अगर यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा मैरिड कपल, एक पढ़ा आपने हस्बैंड वाइफ, कई बार मैरिड कपल की जगह एग्जामिनर वर्ड यूज करता स्पाउस, तो स्पाउस का मतलब भी क्या होता है, मैरिड कपल। पॉइंट क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एग्जामिनर लिख सकता है ए इज स्पाउस ऑफ बी, तो मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर मैरिड कपल। क्लियर, अगेन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? शाबाश सर, अगला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया, सेकंड पॉइंट देखो, जब भी बात की जाएगी फॉर ब्रदर और सिस्टर,
जब भी बात की जाएगी भाई और बहन को लेके, तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है सिंगल साइड एरो, डिफरेंस को समझना। यहां मैंने क्या लिखा, डबल साइड एरो, भाई बहन के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल साइड एरो। शाबाश, एग्जांपल में मैंने लिखा पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, बोलिए पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, और मैं चाहता हूं खुद से इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाए। अगर पी ब्रदर है क्यू का, तो सर दोनों की अगेन जनरेशन क्या होगी, सेम सेम है, तो दोनों क्या आएंगे एक दूसरे के इन फ्रंट, इन फ्रंट लिखने का तरीका यही रहने वाला है। शाबाश, या तो ब्रदर हो या तो सिस्टर हो, एरो कौन सा आएगा, सिंगल साइड एरो। पी के लिए वर्ड क्या यूज किया, ब्रदर, ब्रदर है तो पी के लिए प्लस, और क्यू के लिए क्या होगा, तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर माइनस। भाई साहब बात को समझो, पी ब्रदर है क्यू का, पी ब्रदर है क्यू का, मैं ब्रदर हूं उस पर्सन का, मैं ब्रदर हूं उस पर्सन का, ये जो पर्सन होगा ये मेरा क्या होगा, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। बोलो समझ आई बात। अगर तो मैं हस्बैंड हूं उस बंदे का, तो एक बात क्लियर है, अगर दूसरे पर्सन को माइनस ही होना है। बट अगर मैं बात करूं यहीं पे भाई बहन को लेके, तो वहां आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर हम कंफर्म नहीं है ये क्या होगा, पॉइंट क्लियर है। और यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर में, हाउ, देखो हम छोटी छोटी बातों को पहले सीख रहे हैं, क्वेश्चन को, कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को सीखते हुए फिर क्वेश्चन को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट क्लियर है। और देखना फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके मैं आंसर दोगे, ये आप बात एक बस इसके लिए आपको पूरी वीडियो को सुनना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर दोगे, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने कहा हाउ इज क्यू टू पी, तो सर क्यू पी का क्या लगेगा, पेपर में होगा हाउ इज क्यू टू पी, क्यू पी का क्या लगेगा। तो सर देखो, जब भी हमें गिवन नहीं होता तो फिर वहां पे मैटर करते हैं ऑप्शन। तो अगर मेरे को पहला ऑप्शन मिलता ब्रदर, दूसरा मिलता सिस्टर, तीसरा ऑप्शन मिलता मदर, और चौथा मिलता ब्रदर और सिस्टर, या तो ऐसे लिखे मिल जाए, या तो मिल जाए आइदर वन और टू, या तो ऐसा लिखे मिल जाए। तो अगर मैं बात करूं इस केस में, उसने कहा हाउ इज क्यू टू पी, तो क्यू होगा क्या, वो पर्सन मेरा क्या होगा, या तो वो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है, तो ऑप्शन कौन सा क्लिक होगा, फोर। बोलो ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हुई, शाबाश। अगर ये बात क्लियर है तो मैं इस चीज को रद्द करना चाहता हूं। हाँ सर, अगर पेपर में ऑप्शन ये है तो इस तरह से, अगर पेपर में ऑप्शन ऐसे नहीं, ऐसा है, पहला ऑप्शन है ब्रदर, सेकंड है जी मदर, तीसरा है जी फादर, और चौथा जी ग्रैंडफादर। अब मेरे को ये बताओ, एग्जामिनर ने पूछा हाउ इज क्यू टू पी, तो एक बात कंफर्म होती है कि क्यू क्या होगा, या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा। ऑप्शन देखने पे आपको सिस्टर तो दिखा नहीं, ब्रदर ही दिखा, तो वहां पे फिर आपको ब्रदर को ही क्लिक करना पड़ेगा। ये बात समझ पाए, अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो क्लिक ये हो रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, बट अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो ऐसे। तो शाबाश, अगेन एक बार बता दो कौन सा ऑप्शन क्लिक होगा, मदर, सन, सिस्टर, ग्रैंड मदर। तो शाबाश, तो आप सारे जान चुके हो, अगर आपको पूछा Q to P, अगर ये वाले ऑप्शन होते तो इस केस में आपका आंसर क्या होता, सिस्टर। समझ पाए। बट सर कई बार एग्जाम में ऐसा नहीं तो ऐसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। मैं छोटी छोटी बातों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट में क्लैरिटी लानी है, पॉइंट क्लियर है जी। अगर ऑप्शन में होता सिस्टर, ब्रदर भी होता, फादर भी होता, और एक होता सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पॉइंट क्लियर है जी, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते, यहाँ पे लिख रखा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पॉइंट क्लियर, सी एंड डी एक उसकी फुल फॉर्म है। तो सी एंड डी की अगर मैं बात करूं तो अब आपका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे अगर सिस्टर क्लिक करेंगे, कुछ ब्रदर करेंगे, बट ये दोनों तो अगर मैं बात करूं 50-50 है, तो उस केस में आप क्लिक करोगे सी एंड डी। भाई साहब सी एंड डी का मतलब क्या होता है, शाबाश, सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हिंदी में मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। एक अपनी समझ के लिए आप बोल सकते हो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे 100% पूछूं क्यू का पी से क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, स्टेटमेंट अधूरी है आंसर देने को, तो उसी को रीजनिंग में बोलते हैं सी एंड डी, उस केस में आप क्लिक कर दोगे सी एंड डी। बोलो ये बात क्लियर हुई, शाबाश। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, अगर क्लियर है तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जब भी बात की जाएगी फॉर रिस्पेक्टेड पर्सन,
जब भी बात की जाएगी रिस्पेक्टेड पर्सन, आप समझ के हो रिस्पेक्टेड पर्सन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए मेरे को रिस्पेक्टेड पर्सन कौन से होते हैं। शाबाश, जल्दी से बताइए मेरे को रिस्पेक्टेड पर्सन कौन से होते हैं। तो आपने कहा सर वो पर्सन जो हमसे बड़े हैं, है ना। पर सर रीजनिंग में एक मतलब को समझना है, सर वो पर्सन जो हमसे बड़े हैं, आप सही बोल रहे हो, पर साथ में एक और बात को अपडेट करो कि अगर आप हो, मैंने जहां पे बात होगी जनरेशन के बेस पे, तो कहने का मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन कौन से होंगे, वो पर्सन जो एक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली जनरेशन के पर्सन है। मैंने क्या कहा सर, वो पर्सन जो एक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली जनरेशन के पर्सन है, वही क्या कंसिडर किए जाएंगे रिस्पेक्टेड पर्सन। कहने का मतलब आप हो तो आपका फादर ही आपका क्या माना जाएगा इस केस में, रिस्पेक्टेड पर्सन। पॉइंट क्लियर है, यहाँ एक पॉइंट को समझना है, उसी के लिए मैं वर्ड समझा रहा हूं। अगर आपके बात करूं एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर क्या आप देखो रिस्पेक्टेड तो आप उसको बोलते ही हो कि आप उसको रिस्पेक्ट तो देते हो, पर यहाँ पे वो रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप ही की जनरेशन का पर्सन है। अगर आपका जन्म 95 में हुआ है, आपके भाई का जन्म 92 में हुआ, तो ये एक ही जनरेशन के पर्सन है। तो रिस्पेक्टेड पर्सन कौन से माने जाएंगे इस चैप्टर में, वो पर्सन जो एक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली जनरेशन के पर्सन होंगे, वही क्या कंसिडर किए जाएंगे रिस्पेक्टेड पर्सन। और रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे डाउन साइड है। क्या बात समझ पाए? तो अभी तक हमने तीन एरो को कंसिडर किया। फर्स्ट वन डबल साइड एरो, डबल का मतलब क्या होगा बोलो तो हस्बैंड वाइफ। सिंगल साइड एरो का मतलब क्या होगा बोलो तो शाबाश ब्रदर और सिस्टर। और डाउन साइड का मतलब क्या होगा, अभी आपने देखा सर डाउन साइड का मतलब क्या होगा रिस्पेक्टेड पर्सन। एग्जाम्पल के लिए लिखो सर, एग्जाम्पल के लिए लिखो एम इज फादर ऑफ एन। शाबाश, एम इज फादर ऑफ एन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सर यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रखना है, अभी हमने कहा सर ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। जब भी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात आएगी तो आपने हमेशा कौन सी वैल्यू को लिखना है, ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को। जब भी रिस्पेक्टेड पर्सन की स्टेटमेंट होगी तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सबसे पहले किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को। पॉइंट क्लियर, ऑब्जेक्ट मतलब एन। अब एक बेसिक समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं एम इज फादर ऑफ एन, मतलब आप अपने फादर का नाम लो और अपना नाम लो। मैं कह रहा हूं कि राम इज फादर ऑफ श्याम, ऐसे भी बोल सकता हूं। ऐसे ही एम इज फादर ऑफ एन, एम फादर किसका है, एन का। तो लिखने का तरीका पहले किसको लिखना है, एन को। अगर सपोज आप लोग एन हो, आपका फादर क्या है एम, आपका फादर क्या है एम, तो एम कौन सी जनरेशन का पर्सन है सर, एम तो आपसे ऊपर वाली जनरेशन का पर्सन है। कितनी जनरेशन ऊपर है सर, बताओ कितनी जनरेशन ऊपर है सर, एक जनरेशन ऊपर है। अगर एक जनरेशन ऊपर है तो एक एरो और ऊपर कौन आया, एम। बोलो पॉइंट समझ पाए? शाबाश, एम इज फादर ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को लिखा सर, अगर आप लोग एन हो तो आपका फादर कौन सी जनरेशन ऊपर है सर, एक जनरेशन ऊपर है, एक आया एरो डाउन साइड और ऊपर कौन आया, एम। और अगर एम फादर है तो एम के लिए प्लस, और अगर मैं पूछू एन के लिए तो शाबाश बताइए तो एन क्या होगा सर, आप अगेन कहोगे सर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। और अगर मैं पूछू हाउ इज एन टू पी सर, बताओ एन टू पी क्या होगा, तो आंसर इज सी एन टी। बोलो समझ पाए बात? शाबाश, बोलिए भाई साहब कंसेप्ट क्लियर किया ये वाला? शाबाश, अगर मैं पूछू हाउ इज एन टू पी तो बताइए एन पी का क्या लगेगा। अगर ऑप्शन होते तो आंसर क्या हो सकता था एक्चुअल में तो आंसर हो सकता है या तो सन या तो डॉक्टर। कंफर्म कौन करता, प्लस और माइनस। प्लस होता तो सन, अगर माइनस होता तो डॉक्टर, बट कुछ भी नहीं है तो सही है। क्या ये तीन पॉइंटों की कहानी क्लियर है? शाबाश, अगर इन तीन पॉइंट की कहानी क्लियर है तो 5 सेकंड का टाइम है, इन तीनों पॉइंटों को एक बार अच्छे से देखो। शाबाश, इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से देखो। क्लियर सर? हाँ जी सर। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी को आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर मेरे को ये बताओ यहां स्टेटमेंट होती आर इज मदर ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आर इज मदर ऑफ क्यू एंड एस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर मदर किसकी है, क्यू और एस की। तो सर पहले किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या, क्यू या एस। पॉइंट क्लियर है, क्यू या एस, इन दोनों की मदर कौन है, आर। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर ये कॉमा
कौन किसकी मदर है भाई, सब ये दोनों की मदर है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस तरह का केस है तो ऐसे भी दो एरो लगा सकते हो आर मदर है, ऐसे भी दो एरो लगा के लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्यू की अगर मैं बात करूं एस से, तो क्यू और एस की अगर मदर आर है, आप और आपकी बहन की मदर या आप और आपका जो सिबलिंग है उसकी मदर अगर आ रहा है, तो दोनों में रिलेशन किसका होगा, भाई बहन का ही तो होगा, तो भाई बहन के लिए सिंगल साइड एरो, तो यहां ये खुद क्रिएट हो जाएगा रिलेशन। बात समझ पाए? शाबाश, बोलिए सर ये बेसिक पॉइंट क्लियर किया। ठीक है, अगर क्लियर किया तो एक बात मेरे को और बताओ, एक स्टेटमेंट है एम इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, एम ग्रैंडफादर किसका है, टी का। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, शाबाश जल्दी से बताओ, अगर एम ग्रैंडफादर है टी का तो सर स्टेटमेंट लिखने का तरीका एक ही होगा, आपने जैसे बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ना टी, आप लोगों टी, आपका ग्रैंडफादर कौन है एम। अब आप ये बताओ ग्रैंडफादर कितने एरो ऊपर, कितनी जनरेशन ऊपर, तो सर एक जनरेशन, यहां कोई पर्सन मिलेगा तो अज्यूम करके यहां खाली रहने दो, ऊपर वाली जनरेशन का पर्सन डेफिनेटली कौन होगा, ग्रैंडफादर है तो एम। इस तरह के रिलेशन को ऐसे ड्रॉ करना होगा। बोलो सर ये कहानी क्लियर हुई? शाबाश, बोलो ये कहानी क्लियर हुई। तो पहले हमें बेसिक को जानना है, तीन पॉइंट्स को जानना है, सिंगल साइड एरो, डबल साइड एरो और बोथ साइड एरो। यहां तक कोई डाउट कोई कम? शाबाश, अगर आपको यहां की कहानी क्लियर है तो मैं इसको रब कर रहा हूं और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रहा हूं। सर देखिए एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन को, इन ऑफ फैमिली देर आर फाइव पर्सन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इन ऑफ फैमिली देर आर फाइव पर्सन, पी क्यू आर एस टी, पॉइंट क्लियर, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पॉइंट क्लियर है जी, आर इज सन ऑफ क्यू, ठीक है जी, आर इज सन ऑफ क्यू, एस इज सिस्टर, ये क्वेश्चन है, ऐसे सिस्टर ऑफ टी, ऐसे सिस्टर ऑफ टी, आर इज मदर ऑफ, आर इज मदर ऑफ एस, ये क्वेश्चन। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर क्या करेगा इसी पे आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट होगी, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है कंप्रीहेंशन, उसी तरह से एक स्टेटमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर वन एग्जामिनर हमसे पूछा इस तरह से, बताइए सर हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी आर का क्या लग रहा होगा, तो ऑप्शन वन मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, सपोज अगर पी ग्रैंडफादर बन जाए आर का, मैं कह रहा हूं सपोज अगर पी ग्रैंडफादर बन जाए तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो फिर नन ऑफ दीज। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर टू मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, ऑप्शन वन है जी सिस्टर, ब्रदर, फादर और मदर और नाना। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको फोर्थ क्लास में देखने को मिल रहे होंगे, तो 5 सेकंड का टाइम है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शाबाश जल्दी। हाँ जी सर, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, सर दी गई स्टेटमेंट का वैन, दी गई स्टेटमेंट का फैमिली ट्री बनाना होता है। किस तरह से, जैसे उसने कहा पी हस्बैंड है क्यू का, तो सर आपने पी लिखा, आप पता है हस्बैंड वाइफ डबल साइड एरो, हस्बैंड किसका क्यू का, अगर पी हस्बैंड है तो पी के ऊपर प्लस और क्यू के ऊपर माइनस। बोलो समझ आया? अगली स्टेटमेंट ने कहा आर इज सन ऑफ क्यू, आर इज सन ऑफ क्यू, आर सन है क्यू का, तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, लिखना किसको पहले है, ऑब्जेक्ट को, सर ऑब्जेक्ट तो पहले लिखा गया, बात को समझ रहे हो, यहां अगर क्यू है तो यहां क्यू आने पे क्यू चेंज थोड़ी होगा, क्यू तो वही पर्सन हुआ, कहने का मतलब इसी क्यू का रिलेशन आगे आर से है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो लिखा गया, अब बताओ आर सन है, तो अगर आर सन है आप सन हो अपनी मदर के, तो आप एक एरो नीचे आओगे और ये कौन आया आर। बोलो यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? हाँ जी सर। अगली स्टेटमेंट मिल गया मेरे को, एस इज सिस्टर ऑफ टी, एस सिस्टर किसकी है, टी की, सर ना ही एस लिखी ना ही टी लिखी,
सर आपको एक बात को ध्यान में रखना है, सर अगर एस और टी यहाँ नहीं रिलेट हो रहे तो क्या आगे अगली स्टेटमेंट में कोई रिलेट हो रहा है? तो जैसे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह की स्टेटमेंट को बोलते हैं कोरिलेशन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? कोरिलेशन। को का मतलब क्या होगा? आर और आर का कॉमन होना। तो पहले इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व करने का तरीका आर इज मदर ऑफ एस, तो शाबाश आप जान चुके हो अगर आर मदर है एस की तो पहले एस को लिखना है। जैसे भी आप कर सकते हो, आर मदर है एस की, क्या सही लिखा मैंने? यहां तो आप एस को लिख लो, एक एरो और आर, जैसे भी अच्छा लगे। वो पहले एक बात को रखना था आपकी समझ के लिए, आर मदर किसकी है? एस की, और आगे एस सिस्टर किसकी है? टी की। ये बात क्लियर है? ये जो बन के आया इसी को बोलते हैं जी फैमिली ट्री। बोलो भाई साहब ये बात क्लियर है? ये जो बन के आया इसी को क्या बोलते हैं? फैमिली। अगर ये फैमिली ट्री बन चुका है तो फिर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ना होता, फिर आपने इनको पढ़ना होता और यहां से आंसर देने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रखा है, शाबाश, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, तो बताओ पी आर का क्या लगेगा? सर पी आर का क्या लगेगा? सर आर की अगर ये मदर है, अगर आप आर हो, एक समझ के लिए आपको बता रहा हूं, आगे जाके जब आप इन प्लस डबल साइड सिंगल साइड डाउन साइड एरो को बड़ी जल्दी से समझ जाओगे, आपका दिमाग समझ चुका होगा, तो आप बड़ी जल्दी आंसर देने वाले हो। बट अभी आप आर हो, आपकी मदर है, आपकी मदर का हस्बैंड आपका क्या हुआ? आपकी मदर का हस्बैंड आपका क्या हुआ? सर फादर ही हुआ। अगर फादर हुआ तो ऑप्शन नंबर फोर। बोलो सर यहां कहानी क्लियर? शाबाश। अगले क्वेश्चन ने कहा हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, तो आर टी का क्या लग रहा है? शाबाश सर, आर जो है वो टी का क्या लग रहा है? बात को समझना, उसने पूछा हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, तो सर आर क्या लग रही है? मदर लग रही है। देखो मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते थे, ये बात मैंने पहले रख रखी है आपके सामने। तो R जो है वो T की क्या है? शाबाश, R T की क्या है? मदर है। बात क्लियर हुई? देखो ना, T की ये बहन और बहन की मदर, बहन की मदर आपकी, बहन की मदर आपकी भी तो मदर ही हुई, तो R T की क्या है? मदर। ये बात क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मदर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यहीं पे अगर क्वेश्चन होता हाउ इज टी टू आर, टी आर का क्या होता, तो फिर आपका आंसर होता सर सी एन बी। पर अगर ऑप्शन में होता, अगर एक्चुअल वे में आंसर पूछूं तो क्या होगा? आइदर आर की टी क्या, आइदर डॉटर या सन। बोलो सर ये बात क्लियर? पर अगर टी से आर पूछा, कुछ भी नहीं गिवन, तो सी एंड डी जरूर ऑप्शन में मिल रहा हो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ये बात? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन को यहाँ और जानो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम इसके पार्ट टू में क्वेश्चन को पढ़ेंगे डिटेल के साथ, भाई साहब क्लियर है? तब तक आपको एक और बात को जानना है। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं हाउ मैनी मेल पर्सन इन दिस फैमिली, कितने मेल पर्सन होंगे इस फैमिली में, तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए में वन, ऑप्शन नंबर ए में होगा वन, ऑप्शन नंबर बी में होगा टू, ऑप्शन नंबर सी में होगा थ्री, ऑप्शन नंबर डी में होगा सी एंड डी। तो सर आपसे पूछा कितने मेल पर्सन है, जब मेल नहीं तो कितना पूछ ले, फीमेल पूछ लिया ना, तो आपने कहा सर सपोज यहाँ पे मेल की बात कर रहा है, तो सर आपने कहा सर एक मेल और तो कोई है ही नहीं है, तो आपने कहा सर वन। सर वेट करो, चीजों को समझो, ये मेल है ठीक है, बट ये टी क्या है? ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर आप इसको दो मान लो, टोटल दो है, एक ये और एक ये, बट क्या पता ये माइनस निकल आए, अगर माइनस नहीं तो क्या पता प्लस निकल आए। तो कहने का मतलब अगेन स्टेटमेंट क्या होगी? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो आंसर क्या होगा? सी एंड। क्या ये बात समझ पाए? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक पॉइंट समझ आए होंगे। अगले सेशन में जब पार्ट टू करेंगे तो उसमें मैं इसके ट्रिक भी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है जी। बेसिक जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बेसिक जाना होगा, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर ही उस पर अप्रोच लगाएंगे। क्लियर सर? अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है तो आप ये वाले पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन, तरीका क्या रहेगा। आपने लिखना सर एग्जांपल नंबर वन, ये एग्जांपल नंबर वन है, एग्जांपल नंबर वन आंसर मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, सिस्टर है तो सिस्टर, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इस तरह से आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं हर एक के कमेंट को रीड करूंगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी वे में, इसी चारों के चारों टीचर इसी वे के साथ, इसी अप्रोच के साथ आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। बाकी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किस तरह से चीजें रहेंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक
जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इनरोल कर सकते हो बैच को 9041021984 पे व्हाट्सएप करके। बोलो सर यहाँ तक की कहानी क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्लियर सर, थैंक यू।